नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के बारे में, यानी वर्गीकृत विज्ञापन क्या होते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के बारे में। इस वीडियो के बाद आपके लिए ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्लासिफाइड और क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में क्या अंतर है, क्या उसमें डिफरेंस है। क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो होती हैं वो क्लासिफाइड की तुलना में थोड़ी सी कलरफुल होती हैं, कुछ खास उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग होती है, उसके फॉन्ट जो है वो थोड़ा कलरफुल हो जाते हैं, साइज़ बड़ा कर दिया जाता है, बैकग्राउंड जो उसकी कलर्ड हो जाती है, यानी क्लासिफाइड से जो बिल्कुल रनिंग क्लासिफाइड होती हैं, जो साधारण होती हैं, उससे थोड़ा बेहतर स्थिति में होती हैं डिज़ाइनिंग के हिसाब से और प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होती हैं। कई बार ये सिंगल कॉलम में भी होती हैं और कई बार इनको डबल कॉलम में भी कई समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। इसमें जो चार्जेस तय होते हैं, जैसा हमने कहा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में जो चार्जेस होते हैं वो पर लाइन या पर वर्ड होते हैं, लेकिन क्लासिफाइड डिस्प्ले जो विज्ञापन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें पर कॉलम सेंटीमीटर के हिसाब से चार्जेस तय होते हैं, उससे चार्जेस लिए जाते हैं। सेक्शन की जहाँ तक बात है तो जो क्लासिफाइड का जो सेक्शन है जो हमने पहले पढ़ा था, इसका भी वैसे ही सेक्शन रहता है, फाउंड लॉस्ट या अपॉइंटमेंट्स इस तरह से, या सेल, उस तरह के विज्ञापन इसमें भी रहते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा प्रेजेंटेशन वाइज इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में रहते हैं, चार्जेस पर कॉलम सेंटीमीटर जैसा कि हमने बताया, कलरफुल बैकग्राउंड हो सकती है, फॉन्ट साइज में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, और क्लासिफाइड की बजाय जो डिस्प्ले ऐड होती हैं वो कई बार बॉक्स में दे दी जाती हैं, यानी एक पर्टिकुलर जो विज्ञापन है क्लासिफाइड डिस्प्ले उसको एक बॉक्स में दे दिया जाता है, उस बॉक्स का अलग से कलर कर सकते हैं, तो ये आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, जिसके उदाहरण हम आगे देखने जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जमीन की रिप्लेसमेंट का है, फॉर सेल जो विज्ञापन है इसमें, जैसे आपने देखा कि एक छोटा सा इसमें विजुअल भी डाला गया जो सेंटर में एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, जो कलर है वो भी फॉन्ट का जो है अलग कलर है, अलग अलग जगह बैकग्राउंड भी इसमें मल्टी कलर है, और जैसा कि हमने बताया जिस जो क्लासिफाइड के जो विषय रहते हैं, लॉस्ट फाउंड है, जॉब है, मैट्रिमोनियल है, सेल है, वो भी सारे इसमें दिए जा सकते हैं क्लासिफाइड डिस्प्ले में। ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले क्लासिफाइड, इसमें आप देख रहे हैं कि जो सिंगल कॉलम है रनिंग क्लासिफाइड की तरह, लेकिन इसमें आपने देखा कि विजुअल्स डाल रखे हैं, एक घर का आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देखने की जो वर वधु है उसके फोटो यहाँ पे डाले हुए हैं, यानी आप विजुअल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉन्ट साइज़ के साथ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा कर रहे हैं, लेकिन रनिंग क्लासिफाइड में ऐसा नहीं होता है, इसलिए रनिंग क्लासिफाइड की तुलना में जो डिस्प्ले क्लासिफाइड है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती हैं, उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर होती है। और अक्सर आप देखते हैं कि जो क्लासिफाइड विज्ञापन रहते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन रहते हैं, उन्हीं के बीच में कई बार डिस्प्ले क्लासिफाइड विज्ञापन जो है डाले जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दी हुई है, तो ये सबसे एक्सट्रीम जो लेफ्ट है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसके नीचे जो है ये डिस्प्ले क्लासिफाइड है, बिकॉज इसका अलग से बॉक्स बनाया हुआ है, कलरफुल इसके फॉन्ट हैं, बैकग्राउंड भी इसका थोड़ा सा अलग किया हुआ है, जबकि जो इसके राइट साइड जो वर्क फ्रॉम होम के नीचे जो विज्ञापन, दो विज्ञापन जो दिए हुए हैं, ये जो आते हैं क्लासिफाइड की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप इनके अंतर को जब समझेंगे तो जो सिंपल क्लासिफाइड होती हैं या रनिंग क्लासिफाइड होती हैं वहाँ पर कोई किसी तरह का प्रयोग नहीं किया जाता है कलर के साथ, फॉन्ट के साथ, बल्कि साधारण तरीके से उसको विज्ञापन को दिया जाता है बिना किसी प्रयोग के, बिना किसी खास प्रेजेंटेशन के उस पर ध्यान दिए। लेकिन जो डिस्प्ले क्लासिफाइड होती हैं उसमें थोड़ा सा प्रयोग आप रंग के साथ, फॉन्ट के साथ, साइज के साथ कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की। इस वीडियो के जरिए न केवल हमने डिस्प्ले क्लासिफाइड विज्ञापन को समझा, बल्कि हमने ये भी समझा कि सिंपल जो क्लासिफाइड होती हैं, जो रनिंग क्लासिफाइड ऐड होती हैं, उसमें और डिस्प्ले क्लासिफाइड में क्या अंतर है। ठीक इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।